भोपाल में रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। मध्य प्रदेश की महिला सरपंचों ने सीएम हाउस में अपना अनुभव साझा किया। डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी पंचायत के अंदर सबको हर घर तिरंगा लहराने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने आग्रह किया कि कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आजादी मिली है और जब देश को आजादी मिली है तो देश की आजादी का आनंद स्वतंत्रता सेनानी ने हमें दिया है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल और आप विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सारी बहने याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है और ये होना भी चाहिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आजादी मिली है और जब देश को आजादी मिली है तो देश की आजादी का आनंद इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे शहीद, स्वतंत्रता सेनानी सबने अपना अपना योगदान दे करके आजादी का ये आज मौका हमको दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला। साथ ही कहा कि 9 अगस्त को कांग्रेस सरकार ने आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित की थी लेकिन बीजेपी सरकार भूल गई। आदिवासी समाज को जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासी सम्मान में एक दिन का अवकाश रखा था, जो ये सरकार उसका तो अवहेलना की अपमान किया ही किया। और आदिवासी दिवस को किस तरीके का सम्मान देना चाहिए उसकी भी प्रक्रिया को भूल गई। मोहन यादव जी की, जैसा मैंने कल भी कहा था, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये सरकार बीजेपी की नहीं, ये सरकार जनता की भी नहीं, ये सरकार मोहन यादव की भी नहीं, ये माफियाओं की सरकार है। बफ अधिनियम संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल होंगे। असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदम्बिका पाल, इमरान मसूद, गौरव गोगोई को जगह मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में बफ वोट संशोधन विधेयक पेश किया था। हालांकि अब इस संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी को सौंप दिया गया है। साथ ही कमेटी को अगले सत्र के पहले हफ्ते में आखिरी दिन तक रिपोर्ट देने के लिए समय दिया है। इसलिए लेकर 31 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा। इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन हुआ है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। पीएम मोदी से भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने मुलाकात की है। बता दें कि भाजपा के SC/ST सांसदों ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे समाज से कोटे से जुड़ा फैसला लागू न हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बीते हफ्ते अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के अंदर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। हालांकि देश में अभी अनुसूचित जाति के 15% और अनुसूचित जनजाति के 7.5% आरक्षण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC और ST की जातियों के लिए 22.5% के आरक्षण में ही राज्य सरकारें SC/ST के कमजोर वर्गों का अलग से कोटा तय कर सकेंगी। पिछले 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपए का मुचलका भी भरना होगा। मनीष सिसोदिया को सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी भी लगानी होगी। वहीं जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है, जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ कर जेल में रखा गया, क्या पीएम उनके इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? मनीष की जिंदगी के 17 महीने जेल में डालकर बर्बाद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सिनेशन था, 17 महीने से जेल में थे और उनको जो है बेल प्राप्त करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सत्य की जीत हुई है। और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी, जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता, जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। राज्यसभा में सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तेज की बहस हो गई। जया बच्चन सभापति धनखड़ के जरिए जया अमिताभ बच्चन कहने पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि वो कलाकार हैं और बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझती हैं। जया ने यहां तक कह दिया कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी जो टोन है वो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। सभापति ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया था, जिस पर सभापति सांसद कई बार आपत्ति जता चुकी हैं। वहीं सभापति ने कहा कि धारणा नहीं रखें कि सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा है, एक वरिष्ठ संसद सदस्य के रूप में आपके पास सभापति की प्रतिष्ठा को कम करने का लाइसेंस नहीं है। भले ही आप कोई भी हो, भले ही आप सेलिब्रिटी क्यों ना हो, मैं इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी टोन, मेरी लैंग्वेज और मेरे टेम्पर की बात हो रही है, मैं किसी के इशारे पर काम नहीं करता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही कहा कि रीजनल और नेशनल पार्टियों से मीटिंग की, इसमें सभी पार्टियों ने जल्द चुनाव कराने की मांग की है। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। 2018 में बीजेपी पीडीपी सरकार गिरने के बाद से ही राज्य में राज्यपाल शासन है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाए। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न, जमहूरियत की चमक देखी, इसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर सफर अंदाजी करके सोचती है कि इन चुनावों को जरूर कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। यूपी के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि 1.5 साल में 11 महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल किलर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बीते कई महीने से आरोपी की तलाश थी। इसके 3 आरोपियों का स्केच भी जारी किया गया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा है कि आरोपी नवाबगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। अभी इस मामले में डिटेल जानकारी जुटाई जा रही है। बरेली जिले में सिलसिलेवार हत्याओं से हड़कंप मचा हुआ था। यहां बीते 1.5 साल में 11 महिलाओं की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सभी मर्डर 25 किलोमीटर एरिया में हुए हैं। सबका पैटर्न एक जैसा था। खेत में लाश पड़ी थी और गहने गायब थे। पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए थे। पुलिस ने नंबर जारी करते हुए इसकी सूचना तुरंत देने की अपील भी की थी। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये 6 महीने की घटनाएं हैं और ये एक थाना क्षेत्र में नहीं बल्कि 3 थाने हैं अलग अलग।
शाही, शीशगढ़ और फतेहगढ़ सेक्शन, ये तीन थानों के बाद। और इसमें तीनों सभी जो आप घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं सभी में पोस्टमार्टम कराया गया है। और पोस्टमार्टम में जो है तीन घटना ऐसी है जिसमें जो एक थ्योरी बन रही है कि गला दबा के मारने की, वो उससे तीन घटनाओं में साबित नहीं है। तीन घटनाएं ऐसी है जिसमें गला घोट के मरने से मृत्यु नहीं हुई है। दो घटनाएं ऐसी है जिसमें डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया है और कुछ चीज़ें सुरक्षित की है जाँच करने के लिए। और एक घटना में हैंगिंग के कारण मृत्यु आई है। बाकी बची हुई घटनाएं हैं उनमें गला दबा के मृत्यु के संबंध में जाँच कर दोनों ही एंगल से इसमें काम कर रही है। और हमारी टीमें अधिकतर जो ग्रामीण हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पे काम कर रही है, वो गांव में भी लगे और अलग अलग घटनास्थल है उनको भी देख रहे हैं। सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुकमा क्षेत्र के दो अलग अलग थानों से पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। केरला पाल थाना से चार और जगरुंगा थाने से एक नक्सली को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईडी प्लांट करने के मंसूबे से आए हुए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नक्सलियों को गिरफ्तार करने के लिए डीआरजी और 165 वाहिनी सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की।